नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज TGT PGT GIC लेक्चरर के लिए एनवायरमेंटल बायोलॉजी से संबंधित हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्थात अति संभावित प्रश्न है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आज हम उपस्थित हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, इसमें से 100 प्रश्नों की एक हमारी सीरीज है, श्रृंखला है। तो आज में से उसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए देख लिया जाए आज के इस प्रैक्टिस सेट में पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए जरा, ये रहा पहला प्रश्न। कह रहा है राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड इज गिवन टू, राजीव गांधी वन्य जीवन संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी वन्य जीवन संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, किसे दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है कि एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को दिया जाता है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स को दिया जाता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है, ऑल ऑफ द अबव किसके लिए दिया जाता है। तो यहां पर देख रहे हैं दोस्त, हम आपको बता दें कि मोस्टली अगर आ गया ये विकल्प नहीं दिखे तो वन्य जीव संरक्षकों को दिया जाता है, लेकिन यहां पर जब वन्य जीव संरक्षक हैं तो इसमें शैक्षिक और शोध संस्थाएं भी शामिल हैं, वन्य जीव अधिकारी भी शामिल हैं, तो उपर्युक्त सभी को, इसका जो ऑप्शन होगा डी नंबर होगा। ठीक है, उपर्युक्त सभी को, ऑल ऑफ द अबव। और आज का दूसरा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। कह रहा है कि द मेन कॉज फॉर द फॉरेस्ट लॉस, यानी वन हानि का मुख्य कारण क्या है, वनों के विनाश का मुख्य कारण क्या है, डिफॉरेस्टेशन के लिए मुख्य कारण क्या है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है कि सड़क का विकास मुख्य कारण है, नदी घाटी परियोजना ये मुख्य कारण है, औद्योगिक विकास है, कृषि विकास है, ठीक है, रोड डेवलपमेंट है, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्त, हम आपको बता दें। देखिए यहां कंफ्यूजन की स्थिति आप में आ गई, सड़क विकास तो होगा नहीं, नदी घाटी परियोजना होगा नहीं, दोनों नहीं होंगे। अब यहां पे कह रहा है औद्योगिक विकास और कृषि विकास, कृषि विकास के लिए भी अगर हम खेती बाड़ी करना चाहें वहां वन को तो हमको काटना ही पड़ेगा तो होगा, लेकिन अब यहां औद्योगिक विकास भी एक आ रहा है ऑप्शन में, औद्योगिक जो विकास आ रहा है ये इसका सही उत्तर होगा औद्योगिक। क्यों? क्योंकि देखिए औद्योगिक अगर कल कारखाने वहां पर लगा दिए गए वनों को काट करके, तो इससे तमाम प्रकार के वायु प्रदूषण भी होगा, उससे जो कचरा निकल रहा है उससे भी प्रदूषण होगा। ठीक है, तो औद्योगिक विकास ही इसका जो है सही उत्तर है। आज का जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, इसको भी देख लिया जाए, बड़े ही कंफ्यूजन वाले प्रश्न, कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे दोस्त। यहां पर देखिए कह रहा है इन विच ईयर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था, आज का ये तीसरा प्रश्न है। कह रहा 1972 में किया गया था, लागू किया गया था, और कह रहा कि 1960 में, 1990 में और 1995 में। तो इसका सही उत्तर है, ये कई बार प्रश्न आ चुका है, 1972 अर्थात ये 1972 इसका सही उत्तर है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विच एमंग द फॉलोइंग स्टेट्स लॉन्च्ड अपना वन अपना धन, अपना वन अपना धन, ठीक है, स्कीम। कह रहा है अपना धन अपना सॉरी अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी, किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी, अपना वन अपना धन, ठीक है, वन को ही धन मान लिया, तो किस राज्य द्वारा ये प्रारंभ की गई थी। तो इसका राइट जो आंसर होगा, उत्तर प्रदेश तो है नहीं, मध्य प्रदेश है नहीं, हिमाचल प्रदेश, यह इसका राइट आंसर क्या है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ये देखिएगा दोस्त, ये आज के जो ऐसे प्रश्न है ये जो है GS में भी शामिल किए जा सकते हैं और एनवायरमेंट तो है ही। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए, प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है उसको देख लिया जाए, प्रश्न नंबर 5। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 कह रहा है विच कंट्री हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का, किस देश में पूरे उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है, मतलब वन से घिरा हुआ है किस देश में। तो कह रहा है कि जापान है यहां पर, अब भारत है, चीन है, इंडोनेशिया है। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर आपके मन में आ रहा होगा कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, तो हम आपको बता दें यहां पर इसका सही उत्तर क्या होगा, इंडिया अर्थात भारत। ठीक है, यह इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि क्या कह रहा है अगला प्रश्न, और इसमें आप देख लीजिएगा कहीं कहीं आपको जापान दिख जाएगा तो कंफ्यूजन नहीं होइएगा। 6 नंबर कह रहा है कि द वर्ल्ड टाइगर समिट 2010 वाज हेल्ड एट, विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था,
कहां आयोजित किया गया था? विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 कहां आयोजित किया गया था? ठीक है, तो यह प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है दोस्त। तो अब यहां पर बैकांग कह रहा है, पीटर्सबर्ग कह रहा है, नैरोबी कह रहा है, नई दिल्ली कह रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा पीटर्सबर्ग। ठीक है, पीटर्सबर्ग इसका सही उत्तर है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है इसको देखिए, प्रश्न नंबर 7 ये रहा, कह रहा है फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? ठीक है, ऐसा आपको आपसे पूछ रहा है, कह रहा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो हम आपको बता दें, सबसे पहले जो भारत में था राष्ट्रीय उद्यान वो था हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क था, और अब यह नाम बदल कर रख दिया गया है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका सही उत्तर है, कार्बेट नेशनल पार्क इज द राइट आंसर। इसका पहला जो पुराना नाम था वो था हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क इसका नाम था, अब हो गया राष्ट्रीय कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राजीव गांधी नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहां अवस्थित है? राजीव गांधी नेशनल पार्क कहां अवस्थित है ऐसा कह रहा है। तो राजीव गांधी देखिए नेशनल पार्क कहां अवस्थित है, कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है और कर्नाटक में है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो हम आपको बता दें इस क्वेश्चन में देखिए दो दो हैं, और राजीव गांधी नेशनल पार्क जो अवस्थित है दो प्रदेश में है। कहां पर है दोस्त? यहां पर दो प्रदेश में है, हम आपको बता दें आंध्र प्रदेश में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है और कर्नाटक में भी है। कहां है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक? जब कभी ऐसे आ जाते हैं तो ये विवादित प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लिया जाए। कह रहा है बेतला नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट, बेतला नेशनल पार्क कहां है? बेतला नेशनल पार्क कहां है? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा इसमें से पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्त? बेतला नेशनल पार्क कहां है? तो ये बेतला नेशनल पार्क है झारखंड में। कहां है? यह है झारखंड में, एक ही ठो है यहां नेशनल पार्क झारखंड में, बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, अगला कह रहा है कि वेयर इज द होम ऑफ द एशियाटिक लायन, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहां है? एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहां है ऐसा पूछ रहा है। कह रहा है कान्हा नेशनल पार्क में है, दुधवा नेशनल पार्क में है, कार्बेट नेशनल पार्क में है और गिर वन में है, गिर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्त? हम आपको बता दें एशियाटिक जो बब्बर शेर है वो है गुजरात में है। कहां है? गुजरात में है। और गुजरात कहां है? गिर में है, गुजरात। ठीक है, तो ये गिर कहां है? ये गुजरात में है और यही है कौन? बब्बर शेर। ठीक है, बब्बर शेर का निवास है गिर वन में। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। आज का अगला प्रश्न कह रहा है पेरियार गेम अभ्यारण प्रसिद्ध है, पेरियार गेम सेंचुरी इज फेमस फॉर, किसके लिए पेरियार गेम अभ्यारण प्रसिद्ध है? कह रहा शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जंगली हाथियों के लिए है, बाघों के लिए है, चित्तीदार हिरणों के लिए है, तो किसके लिए है भाई? किसके लिए है पेरियार गेम अभ्यारण प्रसिद्ध, किसके लिए है? देखिए पेरियार कहाँ है, पेरियार मेरे दोस्त ये कहाँ है? पेरियार है केरल में। ठीक है, पे में एक ही मात्रा लगा, तो पेरियार कहाँ है? केरल में है। और यहाँ देखिए हम आपको बता दें एशियाटिक जो एलिफेंट हैं, एशियाटिक एलिफेंट भी हैं और यहाँ टाइगर्स भी हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो पेरियार गेम अभ्यारण प्रसिद्ध है किसके लिए? जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ मुख्य रूप से बाघ भी हैं, तो इसका जो आंसर होगा ये दोनों हो जाएंगे दोस्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर क्या करेंगे, 12 क्या कर रहा है, सेंचुरी फेमस फॉर राइनोसोर्स। ठीक है, अभ्यारण सेंचुरी राइनो के लिए कौन जाना जाता है? तो कौन है भाई राइनो? गैंडो के लिए कौन जाना जाता है? गैंडो के लिए तो कौन है? कह रहा है काजीरंगा है, गिर है, रणथंभौर है और कार्बेट। तो भाई ये राइनो के लिए कौन जाना जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, गैंडो के लिए कौन जाना जाता है? तो गैंडो का जो किया गया है वो किया गया है काजीरंगा में। ठीक है, काजीरंगा इसका सही उत्तर है। गैंडे कहाँ, राइनासोर्स कहाँ है? ये है काजीरंगा में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्या कह रहा है उसको देख लिया जाए। देखिए कह रहा है 13 नंबर,
Which one of the following is the best source of generating electricity in India from the viewpoint of sustainable development? भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? ठीक है, विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन है भारत में, ऐसा कह रहा है, तो कह रहा है कोयला है, कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा। तो भाई विद्युत यहां पर सबसे ज्यादा किससे उत्पन्न की जाती है, किससे हमें विद्युत प्राप्त होती है, तो आप जान रहे हैं कि कोयला तो नहीं है भाई, कोयला जो विद्युत कोयला से, ऐसा नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वह है जल विद्युत। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज द राइट आंसर। ठीक है, जल विद्युत, भाई जल से ही तो द्वारा जो NTPC आज बनाए जा रहे हैं, जल उस पर गिरा करके वहीं से विद्युत उत्पन्न की जा रही है, तो सबसे अच्छा स्रोत यह है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़े, प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है इसको देख लिया जाए। 14 नंबर के प्रश्न को देखिए, 14 नंबर कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टोर हाउस ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी। निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है, संग्रहगार है सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत का संग्रहगार कौन है? कह रहा है सौर ऊर्जा है, ज्वारी ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, भूस्मी ऊर्जा है, मतलब किससे सबसे ज्यादा हम संग्रह कर सकते हैं ऊर्जा का। तो दोस्त हम आपको बता दें ज्वारी ऊर्जा तो होगा नहीं, ये भी नहीं, मुख्य रूप से सौर ऊर्जा ही है, सौर ऊर्जा ही है। हमें सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा मिल रही है, सौर ऊर्जा, चाहे जितना आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर क्या रहा है, 15 नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स इज मोस्ट इको फ्रेंडली, यानी निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है, पर्यावरण के लिए कौन सा सबसे ज्यादा अनुकूल है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। कह रहा है वन उत्पाद है, नाभिकीय विखंडन है, और पेट्रोलियम उत्पाद है, सौर सेल है। भाई ऊर्जा स्रोत पूछ रहा है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से सौर सेल भी तो है ऊर्जा स्रोत, सोलर सेल, ठीक है, सोलर सेल। कह रहा है कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण के प्रति अनुकूलन है ऊर्जा स्रोत, पर्यावरण के प्रति, तो कौन सा होगा इसमें दोस्त? वैसे आप समझ पा रहे होंगे कि वन उत्पाद है, सौर सेल है, जो पर्यावरण के अनुकूल है, बाकी तो अनुकूल नहीं है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है 16 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडीजल क्रॉप, निम्नलिखित में कौन बायोडीजल की फसल है, निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल की फसल है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है कपास है तो कपास है नहीं, गन्ना गन्ना नहीं है, जेट्रोफा, जी हाँ जेट्रोफा, बैलाडियाना जेट्रोफा ही है बायोडीजल की फसल, कौन है? जेट्रोफा इज द राइट आंसर, नॉट पोटैटो। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स, निम्नलिखित जो ईंधन है क्रिएट्स द लास्ट पॉल्यूशन, सॉरी लीस्ट पॉल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करता है, इसमें से कौन न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करता है? कह रहा है डीजल सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है, कोयला और मिट्टी का तेल, तो इसमें सबसे कम प्रदूषण कौन उत्पन्न करता है? तो दोस्त इसमें से सबसे कम प्रदूषण कौन उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है अगले प्रश्न को भी देख लिया जाए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ ग्रीन फ्यूल, भाई ग्रीन फ्यूल, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है, निम्नलिखित में से कौन हरित ईंधन का स्रोत है? हरित ईंधन में आप जानते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं ये शामिल किए गए हैं या दब गए वो भी शामिल हैं। अब यहाँ कह रहा है पेट्रोल है और डीजल है तो होंगे नहीं, कह रहा ए और बी दोनों होगा तो ये भी नहीं होगा, कह रहा ए और बी दोनों नहीं है तो जी हाँ बिल्कुल दोनों नहीं है, यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा पेड़ पौधों से संबंधित। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है ह्यूमन मेड पॉल्यूटेंट्स आर कॉल्ड, यानी जो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहते हैं, ऐसा पर्यावरणीय प्रदूषण जो मानव जनित है उसको क्या कहते हैं? कह रहा है एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं, ह्यूमेलिन कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं, परजैविक कहते हैं, मतलब एंथ्रोपोजेनिक, ह्यूमेलिन, एंटीबायोटिक्स और जीनोबायोटिक्स। इसका सही उत्तर क्या होगा? जो मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करते हैं उसे कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक। क्या कहते हैं दोस्त? एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 20 देखिए ये रहा आपके सामने 20 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स इज,
जैव विघटित प्रदूषक है, जैव विघटित प्रदूषक है। देखिए एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब ये है क्या, जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं अर्थात ये सूक्ष्म जीवों द्वारा जो नष्ट कर दिए जाते हैं उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, और जो सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकते हैं उसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, जैसे प्लास्टिक प्लास्टिक है एस्बेस्टास है या पारा है, तो ये सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं होते हैं, और जबकि जो वाहित मल है ये सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सीवेज इज द राइट आंसर, वाहित मल ये है जैव विघटित प्रदूषक। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द कॉम्बिनेशन ऑफ कोल, कॉम्बिनेशन ऑफ कोल पेट्रोल एंड डीजल ईटीसी इज द बेसिक सोर्स ऑफ, कोयला पेट्रोल और डीजल आदि का वहन मूल स्रोत है, इन सभी का जो है वहन मूल स्रोत क्या है। ठीक है, कह रहा है जल प्रदूषण का, भू प्रदूषण का, तो कोयला पेट्रोल डीजल ये सब जलते हैं तो क्या करते हैं, ये जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण नहीं बल्कि क्या करेंगे, वायु प्रदूषण करेंगे, धुआं जिसका निकलेगा वायु प्रदूषण उत्पन्न करेगा, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, एयर पॉल्यूशन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ भी हम बढ़ते हैं, कह रहा है अगला प्रश्न देखिए जरा, 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशंस द गैस विच पॉल्यूट्स द एटमॉस्फेयर इज, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है, सामान्य परिस्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस होती है, कौन सी होती है गैस सामान्य परिस्थितियों में जो प्रदूषण उत्पन्न करती है, ऑक्सीजन तो उत्पन्न नहीं करेगी, नाइट्रोजन नहीं करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं करेगी, ऑक्सीजन तो ऐसे लेते भी है, कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ते ही है, नाइट्रोजन तो वह विद्यमान है, कार्बन मोनोऑक्साइड सामान्य परिस्थितियों में ये प्रदूषण उत्पन्न करती है। तो इसका सही उत्तर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख लिया जाए, अगला प्रश्न कह रहा है कि पॉल्यूटेंट इमिशन गैस इज इन विच इन व्हीकल एग्जॉस्ट इज मेनली, मतलब कह रहा है वाहनों में निकलने वाली निम्नलिखित में से मुख्य प्रदूषक गैस है, वाहनों के द्वारा मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है ऐसा कह रहा है, कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड मार्स गैस क्या है, मेथेन है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। ठीक है, अब कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो बिल्कुल जी हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को देखें, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं है। अब देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होता है। देखिए प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है यानी प्राथमिक जो प्रदूषक होता है वो क्या होता है, जो पहले ही पहला होता है, मतलब किसी के साथ मिल करके दूसरा प्रदूषक नहीं बनाता है उसे कहते हैं प्राथमिक पॉल्यूषक। ठीक है, और जब मिल करके किसी के साथ दूसरा बना दिया तो उसे कहेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, कह रहा है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं है। तो भाई ये जो है पैन, ठीक है, यह भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, मिलकर बनता है, स्मॉग भी है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ओजोन भी डायरेक्ट तो उत्पन्न नहीं हो जाता, ये भी डायरेक्ट नहीं हो जाते, और सल्फर डाइऑक्साइड यही जो है ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर है, क्योंकि यह प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड इसका कौन सा पॉल्यूटेंट है, इसका प्राइमरी पॉल्यूटेंट है सल्फर डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न को देखा जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं, 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है। भाई ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैव प्रदूषक, ठीक है, जैव प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य कौन करता है, तो लाइकेन, फर्न, मनी प्लांट, अमरबेल, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, लाइकेन होगा, सैक होगा। ठीक है, क्या होगा दोस्त, सैक, इसे कहते हैं लाइकेन। ठीक है, इसका सही उत्तर है लाइकेन। अगला प्रश्न कह रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडोर एयर पॉल्यूटेंट इज, इंडोर वायु प्रदूषक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है, इंडोर मतलब जो कहां से निकले, अंदर से निकले, इंडोर, ठीक है, तो इसमें कह रहा रेडान गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इनमें से कोई नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड तो होता नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड होता नहीं है, और रेडान से ही निकलती रेडान गैस। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, रेडान गैस, यानी ए इज द राइट आंसर, रेडान गैस। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई, अगला प्रश्न को देख लिया जाए, कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्लीन पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है,
कह रहा है किसके द्वारा निम्नलिखित में से स्वच्छ किया जाता है, कह रहा है ऑक्सीजन के द्वारा स्वच्छ किया जाता है, वर्षा के द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा कि हवा के द्वारा, किसके द्वारा वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है। अब आप लोग भी तो बताएं कुछ, एकाध प्रश्न आप लोग भी बताएं कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, इसे आप बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा, हमें रहेगा इंतजार, ठीक है। बहुत कठिन तो प्रश्न नहीं है, कह रहा है कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है, किसके द्वारा प्रदूषण को जो है वायुमंडल में अगर विद्यमान हो तो उसको स्वच्छ किया जा सकता है, ऑक्सीजन के द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है कि वर्षा करा दी जाए, कि नाइट्रोजन हो जाए, कि हवा हो जाए। आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 28 नंबर का क्वेश्चन, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन स्कैन सन कैन कॉज, मतलब सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें जब आती हैं तो हमारे लिए किसके लिए हानिकारक है, यकृत कैंसर उत्पन्न करती, कह रहा है कि मुखी कैंसर का कारण होती है, कि मस्तिष्क कैंसर का कारण होती है, कि त्वचीय कैंसर का कारण होती है। इसका सही उत्तर क्या होगा, बिल्कुल त्वचीय कैंसर का कारण उत्पन्न करती है, हमें त्वचा कैंसर उत्पन्न कर देती है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, त्वचीय कैंसर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन डे, ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ऐसा कह रहा है। तो आप जानते हैं कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को, कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर इज द राइट आंसर, 16 सितंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ भी चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ये रहा अगला प्रश्न 30 नंबर का, कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर, यानी ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है, भारत के ऊपर है, यूरोप के ऊपर है, अंटार्कटिका के ऊपर है, अफ्रीका के ऊपर है, तो ओजोन छिद्र का सर्वाधिक जो निर्माण है वो कहाँ है, ऐसा कह रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा अंटार्कटिका के ऊपर है सबसे ज्यादा, ठीक है, अंटार्कटिका इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है 31 नंबर का, कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, सफेद शेर, जल प्रदूषण, कृषि, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये संबंधित है ओजोन से, ओजोन परत के डिप्लीशन से, ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है। तो आपको बता दें किसके द्वारा ओजोन परत का क्षरण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, CFCs, ठीक है, CFCs इसके द्वारा क्षरण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर इज द राइट आंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगले प्रश्न को भी देख लिया जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो ये रहा अगला प्रश्न, कह रहा है अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विच गैस इज फिल्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है, फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है, ऐसा कह रहा है। कह रहा अमोनिया भरी जाती है, NH3, मीथेन भरी जाती है, एसीटिलीन भरी जाती है, ऐसा कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो कौन सी गैस इसमें से भरी जाती है दोस्त, इसका सही उत्तर होगा अमोनिया, अमोनिया इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन एवर ग्रीन फॉरेस्ट, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, निम्नलिखित में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, सदाबहार का मतलब जो हमेशा ऐसे वन जो हमेशा हरे भरे हों, उनकी पत्तियाँ झड़े ना, मतलब चुंडे मुंडे ना दिखाई दें, ठीक है, एकदम ऐसे ना दिखाई दें कि खड़े रहें एकदम चुपचाप से, तो कहाँ पाया जाता है, कह रहा मालवा पठार में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, ऊपर कौन नहीं, तो पश्चिमी घाट इज द राइट आंसर, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं दोस्त, सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में, ठीक है। तो हमारे इस देखिए टेस्ट सीरीज में 33 क्वेश्चन हुए, हमने बताया कि इसमें 100 क्वेश्चन को हम शामिल किए हुए हैं, तो अगले प्रश्न में भी अगले हम लेक्चर में लेकर के आएंगे, इसके आगे के जो प्रश्न हैं अगले लेक्चर में शामिल करेंगे। आज के हमारे इस लेक्चर में दोस्त बस यहीं तक, फिर मिलेंगे आपके साथ नए लेक्चर को लेकर के, ओके, थैंक यू।